नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्रेश माथुर और अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ राहुल गांधी की। इमेज का वो मेकओवर जिसने राहुल गांधी के नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की इमेज को पूरी तरह से बदल दिया है। सबसे बड़ा बदलाव पार्ट टाइम से रेगुलर पॉलिटिशियन की भूमिका में राहुल गांधी का आना। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिले वोटों के आशीर्वाद से स्पष्ट है कि भले ही विरोधी राहुल गांधी को हल्के में ले, लेकिन जनता उनको गंभीरता से लेने लगी है। एक के बाद एक कई चुनाव में हार, राज्यों में सिमटती कांग्रेस की सरकारें, पार्टी का बिखराव, पार्टी के भरोसे मंद चेहरों का अलगाव, अप्रत्यक्ष रूप से हर बार ठिकरा राहुल गांधी पर ही फूटा। यहां तक कि राहुल गांधी की सदन में गैर मौजूदगी तक, जो कि 17वीं लोकसभा में मात्र 53% रही, इस पर भी राहुल गांधी निशाने पर रहे। लेकिन अब सबसे बड़ा बदलाव नजर आ रहा है राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन का पद संभालने के बाद। हाथरस और मणिपुर दोनों जगह पर राहुल गांधी के दौरे रहे और दोनों जगहों पर उनकी प्रतिक्रिया आक्रामक न होकर बेहद सहज और संतुलित रही, जो बताती है कि राहुल गांधी का कंप्लीट मेकओवर हो चुका है, जो कार्यकर्ताओं से लेकर उनके समर्थकों तक को खूब भा रहा है। आज देखिए मेकिंग ऑफ राहुल गांधी। मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। राहुल गांधी का बदला अंदाज दिलाएगा इंडिया को राज। मोदी का हो या योगी का गढ़, जनता के मुद्दों से दी सीधी टक्कर। सड़क से संसद तक राहुल का रण, डरो मत डराओ मत का लिया प्रण। यूपी से शुरू होगा वारा न्यारा, जनता बोली जननायक हमारा। ये बदला हुआ अंदाज है, यही राहुल गांधी के अग्निपथ का राज है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने खुद को साबित किया है। विरोधी वार करते रहे, लेकिन वो आम लोगों की आवाज बने। जहां कोई समस्या हो, शासन और प्रशासन भले ही ना पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी पहुंचे। अपनी जुदा अंदाज में उन्होंने चीजों को समझाया और आवाज बुलंद की। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी तीसरी बार उत्तर प्रदेश आए और दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली। रायबरेली आने के बाद उन्होंने यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात की और सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिजनों से भी मिले। परिजनों ने अग्निवीर योजना को समाप्त करने की मांग उठाई। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया और अपनी माँ सोनिया गांधी की सांसद दीदी से किए गए विकास कार्यों की समीक्षा भी की। यानी राहुल गांधी ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया, वो जननायक बन चुके हैं। रायबरेली दौरे पर आए तो उनका यही अंदाज नजर आया। सबसे पहले चरुआ के हनुमान मंदिर में पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की। मंदिर से गांधी परिवार का पुराना नाता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जब रायबरेली के दौरे पर आते थे तो मंदिर में पूजा करते थे। राहुल गांधी ने भी उस परंपरा को जारी रखा। पूजा के बाद भूरेमऊ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू हुआ। राहुल गांधी के आज के दौरे का मुख्य फोकस किसानों और दलितों की समस्याओं पर था। रायबरेली में जब वो अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने किसानों और दलितों के हालातों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने आज रायबरेली के साथ अमेठी और सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से भी अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में दलितों और किसानों के हक की आवाज़ बने, पीड़ितों और वंचितों की बातों को प्रमुखता से उठाएं। 10 सालों से देश में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी, जिसे राहुल गांधी ने अपनी मेहनत से हासिल किया। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो खास तरीके से स्वागत हुआ। अब राहुल गांधी की सियासत में जो हैसियत है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और सामने जो पोस्टर देख रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जननायक राहुल गांधी सांसद रायबरेली, और साथ में आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जिस तरीके से उनका कद बढ़ा है,
निश्चित तौर पर यहाँ रायबरेली के लोग और जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो बेहद उत्साहित नजर आते हैं। संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राहुल का जो अंदाज दिखा वो अलग था। राहुल ने देश के सेनानियों को नमन करने के लिए शहीद स्थल का दौरा किया तो मां सोनिया गांधी की पहल पर खुले एम्स का निरीक्षण करने भी पहुंचे। लंबे समय तक जो एक कह सकते हैं कि रायबरेली में जो एक सूखा था वो अब समाप्त हुआ। जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीते 5 सालों में चूंकि सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी और कांग्रेस की हैसियत भी उत्तर प्रदेश में बहुत ही कमजोर स्थिति में पहुंच गई थी, लिहाजा जो कार्यकर्ता थे वो भी निराश थे। रायबरेली आने से पहले राहुल गांधी मणिपुर गए थे जहां उन्होंने हिंसा पीड़ित लोगों की आंखों के आंसू पोंछने की कोशिश की। कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के लोगों से अलग अलग मुलाकात की, राहत कैंपों में गए, बच्चों से मिले। राहुल तीसरी बार मणिपुर पहुंचे थे लेकिन राज्य में जो हालात हैं उनसे वो दुखी दिखे। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इम्प्रूवमेंट होगा मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा सुना और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सोल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सोल्यूशन निकल सकती है। मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए। प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए, मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात भी गए थे जहां अपने अंदाज से लोगों को कायल बना लिया। उन्होंने भरी सभा में कहा कि हम नरेंद्र मोदी को गुजरात में हराएंगे, ये आप लिख कर ले लो। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमका कर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी के ये कॉन्फिडेंस ही उनके बदलाव की कहानी बयां करता है। वो जब दिल्ली में लोको पायलटों से मुलाकात करने पहुंचे तो बीजेपी नेता से लेकर रेलवे तक उसको गलत साबित करने में लग गई। लेकिन राहुल गांधी ने लोको पायलटों के जरिए ऐसा मुद्दा छेड़ा जो बीजेपी और केंद्र सरकार की दुखती रग है। Not more than 2 consecutive nights, but यानी राहुल गांधी ये पूरी तरह से जानते हैं कि केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी को कैसे घेरना है। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ हुई तो राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। वहां से लौटे तो उन्होंने मुआवजे में बढ़ोतरी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे राहुल गांधी ने कैसे खुद को बदला ये साबित होता है। पहली तस्वीर 20 जुलाई 2018 की है जब राहुल गांधी लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए थे। दूसरी तस्वीर 26 जून 2024 की है जिसमें राहुल किस अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं वो आप देखिए। इन दोनों तस्वीरों में ही बदलाव की पूरी कहानी छिपी है। ये देश डर का देश नहीं है तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। राहुल गांधी खुद की आम आदमी की छवि को तराशने में जुटे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दमदार वापसी कराने वाले राहुल गांधी जब शपथ लेने पहुंचे तो उनका अलग अंदाज दिखा। आपने कई मौकों पर सुना होगा, आपको याद होगा कि बीजेपी राहुल गांधी के बारे में पहले कहती थी कि वो जो करेंगे
उससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा। लेकिन राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। बीजेपी जो कभी केंद्र की सत्ता में अपने बूते राज कर रही थी, वो गठबंधन के सहारे सरकार में है। ये राहुल की बदली राजनीति का ही नतीजा है, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर राहुल गांधी ने खुद को कैसे बदला, वो कौन सा रोड मैप था, देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसमें सबसे अहम पड़ाव साबित होता है जिसके जरिए राहुल गांधी ने खुद को बदला है। किसान से लेकर मजदूर तक के दर्द को लगातार साझा करते दिखे राहुल गांधी। इसके अलावा आम लोगों की तरह ट्रेन और बसों में यात्रा करते भी नजर आए राहुल गांधी। कभी बोझ उठाते, कभी खेत में किसानों के बीच, कभी रिक्शा खींचते, कभी जमीन पर बैठकर आम जनता की समस्याएं सुनते। ये दरअसल वो कनेक्ट था जिसमें राहुल आम आदमी की भूमिका में रहकर आम लोगों से जुड़े और इस अंदाज या जुड़ाव ने मतदाताओं के मन पर सीधा सीधा प्रभाव डाला। अब आपको रायबरेली के सहारे यूपी को कैसे साधने में कामयाब रही कांग्रेस, वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मां सोनिया गांधी की सीट पर सबसे पहले एक बड़ा फैसला लिया कि राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी से नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात, अमेठी से परिवार के खास किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार देना। इसके अलावा एक सबसे अहम फैसला जो रहा कांग्रेस का, इस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना। मां सोनिया की विरासत संभालकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने कांग्रेस ने जाहिर तौर पर एक चेहरा पेश कर दिया। किशोरी लाल शर्मा के जरिए अमेठी की सबसे बड़ी हार का बदला सबसे बड़ी जीत से लिया और यूपी में कांग्रेस की राजनीति को धार देने वाला सबसे बड़ा फैसला लिया समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके। और इस फैसले ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को फायदा पहुंचाया, लेकिन बीजेपी का बड़ा नुकसान हो गया। अब जिस स्ट्रैटेजी ने सबसे बड़ा असर किया राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए, वो क्या रही वो आप देखिए। संविधान बदलने को मुद्दा बनाया, जो कि बेहद हिट रहा, जो कि काम कर गया। विपक्ष भी इसे मानता है, विपक्ष तो कहता ही है, और इसके अलावा खुद अब बीजेपी भी इसे मान रही है। अग्निवीर का मुद्दा उठाया जो सरकार के गले की एक तरीके से हड्डी बन चुका है सदन में, इस पर घमासान मचा आपने देखा। इसके अलावा किसानों की एमएसपी का मुद्दा उठाया जिस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं। भले कहा गया कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, सदन के भीतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा, लेकिन इसके बावजूद। साथ ही बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा भी उठाया गया, यानी आम आदमी को हिट करते हर मुद्दे की बात राहुल गांधी ने की और इसके माध्यम से सीधे सरकार पर हमले किए। केंद्र की नीतियों के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरे राहुल गांधी। दलितों के साथ भी जुड़े और दलितों के साथ जब जुड़े तो राहुल गांधी ने इसके माध्यम से इंडिया गठबंधन के लिए भी काम किया और दलितों का वोट बैंक उनके पाले में आने में कामयाब रहा। आपको याद दिलाते हैं कैसे, देखिए आरक्षण खत्म करने को मुद्दा बनाना, इसके अलावा एक बड़ा अहम मसला जातीय जनगणना करवाना, भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करना, ये तमाम बातें राहुल गांधी ने हर मंच से की, लोगों के बीच पहुंचकर की। और ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने संविधान अपने हाथ में लहराते हुए, संविधान हाथ में लेकर रैलियों में सरकार को घेरा। जाहिर है अभाव में रह रही एक बड़ी आबादी के लिए राष्ट्रीयता नहीं बल्कि उसके अपने मुद्दे चुनाव सबसे हावी रहे। नतीजा, इस आम जनता से जुड़े मुद्दे, उनसे जुड़े कनेक्ट ने राहुल गांधी को स्थापित करने में सबसे बड़ी, सबसे अहम भूमिका अदा की। राहुल गांधी ने 2004 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और अपने परिवार का घर माने जाने वाले अमेठी से चुनाव लड़ा। 2004 में केंद्र की सत्ता बदली, कांग्रेस पावर में आई, लेकिन राहुल गांधी ने मंत्री पद नहीं लिया। राहुल ने देश को समझने के लिए समय मांगा, कभी दलितों के यहाँ खाना खाया तो कभी मनरेगा मजदूरों के साथ मिट्टी उठाई। लोगों के बीच पहुंचने के लिए राहुल ने मुंबई के लोकल ट्रेन में भी सफर किया, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सफल नहीं हुए। 2014 में सत्ता बदली और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो राहुल गांधी उनके निशाने पर आते चले गए। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते। राहुल की राजनीति और व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव भारत जोड़ो यात्रा से आया, जिसमें उन्होंने दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम तक देश के कई राज्यों को कवर किया था। यात्रा के दौरान वो लोगों से मिलते, उनकी परेशानियों को जानते, ये सिलसिला महीनों चला। और इसी तरह से राहुल गांधी ने देश के आम लोगों की समस्याओं को जाना, इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। इसी के दम पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की। लोगों को लग रहा है कि एक सही नेता प्रतिपक्ष उनको मिल गया है। हालांकि राहुल बहुत आसानी से तैयार नहीं हुए नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, लेकिन जब वो बन गए हैं तो लोगों को लग रहा कि वो
एक अच्छे नेता प्रतिपक्ष हैं और जिस गतिशीलता से प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव रहते हैं और जगह जगह वो भी पहुंचते हैं या बातें करते हैं या एक्टिविटी उनकी होती है, तो राहुल उनके मुकाबले में अपने को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज सत्ता पक्ष के सामने राहुल पेश करेंगे आने वाले दिनों में। राहुल गांधी ने जिस तरह से अपना अंदाज बदला है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। जिस राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ये दावा करती थी कि वो कुछ करेंगे तो उससे कांग्रेस का नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा, वही बीजेपी अब राहुल के नए अवतार से मात खा चुकी है। वो जो बोल रहा है, हाँ जी, उसके अंदर डर है, वो उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, वो उदास है, उसके रिश्ते मतलब ठीक नहीं चल रहे, तो किसी और को गाली देने की जरूरत दे रहा है, मैं स्वागत कर रहा हूँ, और दो अच्छी लगती है, और बोलो, और नाम दो मुझे, अरे मैं फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी अपने तर्क में कहते हैं कि उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी को कभी गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन अब उनकी छवि आयरन लेडी की है। So, she was also called गूंगी गुड़िया। Before she became iron lady, the same people who attacked me 24/7 used to call her गूंगी गुड़िया। And then गूंगी गुड़िया suddenly became iron lady. She was always iron lady. Ah, that's an interesting question. I would prefer a woman. I don't mind her. She's got qualities, but the mix between my mother and my grandmother's qualities is good. रायबरेली के एक सलून में राहुल गांधी ने युवक से बाल कटवाते वक्त महंगाई से लेकर रोजगार तक के कई सवाल पूछे और जनता का मूड जानने की कोशिश की। राहुल गांधी का एक और अंदाज, जब आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिलने पहुंचे तो कुली के ड्रेस में यात्रियों का सामान भी उठाया। कुलियों के बीच पहुंचकर राहुल ने उनकी समस्याओं को जाना। कुली की रेट का आज से कम 10-12 साल पहले 60 रुपए थी, उसको 100 रुपए कर दिया, ये बदला है 40 रुपए। एक साल में डॉक्टर की फीस 100 रुपए से 1000 हो जाती है और हमारे 40 रुपए बढ़े, ये बदला है बस 40 रुपए बदले, बताओ 10 साल। एक तरफ मोदी जिनकी एक खास छवि है, उनका एक पॉलिटिकल अप्रोच और स्टाइल है जिससे मोदी बाहर निकलने की ज्यादा कोशिश नहीं करते, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिलते रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं और उन्हें उठा रहे हैं, यानी राहुल गांधी की तैयारी पूरी। वैसे तो राहुल गांधी पूरे देश का ही दौरा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के नतीजे लोकसभा चुनाव में आए उसके बाद से वो उत्तर प्रदेश को लेकर खासे उत्साहित हैं और यहां दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में संगठन की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उनकी सक्रियता भी उत्तर प्रदेश को लेकर ज्यादा बढ़ी हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़24। और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ा